छिंदवाड़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारियों की मनमानी से ग्राहक परेशान हो चुके हैं। पेंशनधारी बुजुर्ग ग्राहकों, महिलाओं और विकलांगों को पेंशन के लिए लगातार अधिकारियों द्वारा यहां से वहां चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर लोगों ने SBI के खिलाफ नारेबाजी की और बैंक मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। परासिया विधानसभा के चांदामेटा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में ग्रामीणों ने बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि पेंशनधारियों को पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। जो पेंशनधारी विकलांग और बुजुर्ग हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। बैंक अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्राहकों को लगातार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। ग्राहकों ने बताया कि बैंक के कर्मचारी कहते हैं कियोस्क जाकर पैसे निकालो, और जब कियोस्क जाते हैं तो वहां हमेशा सर्वर की परेशानी बता दी जाती है। अगर धोखे से सर्वर सही भी रहा हो तो या अंगूठा नहीं लगता या कोई नया बहाना बना दिया जाता है। ग्रामीण जब इसके खिलाफ बैंक में ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया और समस्या सुनने बाहर तक नहीं आए, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चांदामेटा की ओर से स्टेट बैंक चांदामेटा में ज्ञापन सौंपा गया, जैसे कि निर्धन बुजुर्ग महिलाएं और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अभी कुछ समय से इन लोगों ने ये कर दिया है कि कियोस्क के माध्यम से उनको पेंशन दी जा रही थी। हमारी मांग ये है कि जिनको बैंक से पेंशन दी जाती थी उन्हें सुचारू रूप से बैंक के माध्यम से पेंशन दी जाए, और जिनको संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।